गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर वन, फनी शॉर्ट मैन। आई एम योर इंग्लिश टीचर, माय नेम इज़ अस्मी जैदी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई नो अ फनी शॉर्ट मैन। मैं एक छोटे अजीब आदमी को जानता हूँ, एज नॉटी एज ए माउस, जो शरारती है जैसे एक चूहे की तरह। हु परफॉर्म्स अ मिस्चीव डैट इज़ डन इन एवरी वन हाउस, मतलब जो वो शरारत करता है वो हर किसी के घर में, सबके घर में शरारतें करता है। देर इज़ नो वन विद हिज फेस, उसके चेहरे के साथ कोई नहीं है, एंड डेस्पाइट वी ऑल एग्री, और इसके बावजूद हम सब सहमत है। डैट ईच प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड, वो सभी प्लेट्स जो हम तोड़ते हैं वास क्रैक, वो टूट गए हैं बाई नो मिस्टर नो वन, किसी के भी द्वारा नहीं। टिस ही हु ऑलवेज स्प्लिट आवर बुक्स, जो हमारी किताबें फैलाता है। हु लीव्स द डोर अजार, जो दरवाज़ा छोड़ता है। ही पुल्स द बटन फ्रॉम आवर शर्ट, जो हमारी शर्ट्स के बटन खींचता है। एंड स्प्रीड स्पिन अफार, जो पिंस को फैलाता है और पिंस को फैलाता है। स्क्वीइंग डॉल विल ऑलवेज स्क्वीक, चीखता हुआ दरवाज़ा हमेशा चीखता है। फॉर प्रिटी, प्रिटी के लिए। डोंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, तुमने नहीं देखा। विल लीव द ऑयलिंग टू डन, हमने तेल लगाना छोड़ दिया है बाय मिस्टर नोवन, किसी भी के द्वारा नहीं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये टू पैराग्राफ पढ़ाए हैं जो आपको इसी तरह से ट्रांसलेट करने हैं, एंड इसकी प्रोनंसिएशन भी क्लियर करनी है आपको। रीड एंड रीड एंड रीड अगेन, रीड कीजिए, जिस तरह से आपकी प्रोनंसिएशन क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, एंड ट्रांसलेशन भी आपको इसी तरह से करना है। थैंक यू।